नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनिरुद्ध सिंह है और आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक है क्लॉक, जिसे हम हिंदी में घड़ी कहते हैं, उसका एक कंसेप्ट सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक से। वो कंसेप्ट ये है कि जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाए कि कोई समय दे दिया गया है और उनके मिनट हैं और आवर एंड के बीच का कोण कैसे ज्ञात करें, तो उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे हमें समय दिया गया है 3:10, तो हमें ये पता है कि 3 जो है इसका आवर पार्ट है और 10 जो है इसका मिनट पार्ट है। हमें सबसे पहले ये करना है कि जो इसका आवर पार्ट है उसे मिनट में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी मिनट है 3 पे आता है तो ये हम 15 मिनट्स कहते हैं। अगर यही मिनट हैंड जो है वो 2 पे आता तो हम इसे कहते हैं 10 मिनट्स। इसी तरह से मिनट हैंड अगर 6 पे होता है तो हम उसे 30 मिनट कहते हैं, और यही मिनट हैंड 9 पे होता है तो इसे 45 मिनट कहा जाता है। इसी तरह से जब 3 पे है तो ये आपका 15 मिनट होगा और ये 10 मिनट ऑलरेडी मिनट पार्ट में है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। 15 मिनट में से 10 मिनट का डिफरेंस होता है 5 मिनट। इस 5 मिनट को हमें 6 डिग्री से गुणा कर देना है। 5 मिनट इंटू 6 हमारा आएगा 30। अब हमें ये देखना है कि क्या आवर पार्ट जो है, जो मिनट में कन्वर्जन किया हुआ है, वो मिनट पार्ट से बड़ा है या नहीं। जैसा कि हम क्लियरली देख सकते हैं ये 15 है, ये 10 है, यहाँ पर आवर पार्ट जो है वो मिनट पार्ट से बड़ा है। तो अब हम जो ये 30 डिग्री आया है इसमें एडिशन करेंगे इस मिनट पार्ट का हाफ, तो ये आपका आएगा 30 + 5 डिग्री, विच इज इजी इक्वल्स टू 35 डिग्री। तो 3:10 का जो समय होगा उनमें जो आपका उसमें जो आपका आवर एंड है जो कि स्लोएस्ट हैंड होता है, वो जो आपका मिनट हैंड है जो कि आपका मिनट पार्ट दर्शाता है, उनके बीच का कोण 35 डिग्री होगा।